हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं बॉलीवुड रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ सोनाली। हाजिर हूं बॉलीवुड की अप टू डेट खबरों के साथ फिर एक बार। तो चलिए करते हैं आज के शो की शुरुआत और आपको दिखाते हैं कि आज क्या क्या है खास। महेश भट्ट के लिए आलिया और पूजा भट्ट ने रखी बर्थडे पार्टी। सेलिब्रेशन में शामिल हुए आलिया के बॉयफ्रेंड रणबीर। बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर महेश भट्ट आज अपना 73वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस खास मौके पर उनकी बेटी आलिया और पूजा भट्ट ने एक छोटी सी पार्टी का आयोजन किया है। इस पार्टी में आलिया के बॉयफ्रेंड रणबीर कपूर भी शामिल हुए हैं। दरअसल आलिया भट्ट ने बहन पूजा भट्ट के साथ मिलकर डैडी महेश भट्ट के बर्थडे का जश्न मनाया है। इस मौके पर आलिया भट्ट पार्टी के सेलिब्रेशन की सेटिंग गर्ल थी। इस बारे में आलिया की बड़ी बहन पूजा भट्ट ने खुद बताया है। पूजा भट्ट ने तस्वीरें शेयर कर लिखा है, बर्थडे बॉय लेकिन सेटिंग गर्ल को मिस ना करें। आलिया भट्ट ने पापा के बर्थडे पर इन तस्वीरों को शेयर कर लिखा है, 73 साल के यंग, हैप्पी बर्थडे पापा। महेश भट्ट के इस बर्थडे पर उनकी वाइफ सोनी राजदान और बेटी शाहीन भट्ट शामिल नहीं हो पाई। हालांकि इन दोनों ने वीडियो कॉल पर इस बर्थडे पार्टी को जरूर एंजॉय किया। पार्टी की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हैं, जिनमें महेश भट्ट पूजा भट्ट के साथ आलिया और रणबीर भी नजर आ रहे हैं। एक फोटो में रणबीर कपूर सेल्फी लेते दिख रहे हैं। उनके साथ पूजा भट्ट, महेश भट्ट और गर्लफ्रेंड आलिया भट्ट खड़ी हैं। महेश भट्ट अपने फोन पर वाइफ सोनी राजदान और बेटी शाहीन भट्ट की तस्वीर दिखा रहे हैं। आलिया भट्ट और पूजा भट्ट दोनों ने अपने अपने इंस्टाग्राम वॉल पर इस पार्टी की फोटोज शेयर की हैं। इन पिक्चर्स में बर्थडे बॉय के साथ दोनों बेटियां खूब मस्ती करते दिख रही हैं। आलिया भट्ट के अगर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो वो कई बड़ी फिल्मों जैसे RRR, गंगूबाई काठियावाड़ी और ब्रह्मास्त्र में काम कर रही हैं। ब्रह्मास्त्र में आलिया अपने बॉयफ्रेंड रणबीर कपूर के साथ नजर आएंगी। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, नागार्जुन और मौनी रॉय भी काम कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। गीतकार और लेखक जावेद अख्तर की तरफ से अंधेरी कोर्ट में बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करवाया गया था। कंगना ऐसे में दो बार कोर्ट की सुनवाई के दौरान हाजिर नहीं हुई थी। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कंगना को हाजिर रहने के लिए कहा था और साथ ही अगली सुनवाई में हाजिर न होने की सूरत में उनके खिलाफ वारंट जारी करने की बात कही थी। सोमवार को कंगना अंधेरी कोर्ट के सामने पेश हुई और इस दौरान कंगना की ओर से उनके एडवोकेट रिजवान खान ने जावेद अख्तर और इस मामले की सुनवाई कर रहे जज के खिलाफ सनसनीखेज इल्जाम लगाए। कंगना सुनवाई के दौरान कोर्ट में मौजूद रहीं, जहां कोर्ट में उनके अटेंडेंस मांग की गई। कंगना के वकील रिजवान सिद्दीकी ने कोर्ट में कहा कि जब यह मामला जमानती है तो कंगना को रोजाना कोर्ट में आना क्यों जरूरी है। कंगना को लग रहा है कि यह कोर्ट पक्षपात कर रहा है, इसलिए वह चाहती हैं कि यह मामला किसी दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर किया जाए। इस कोर्ट ने दो बार धमकी दी है कि अगर कंगना नहीं आई तो उनके खिलाफ वारंट जारी किया जाएगा। इस तरह के मामलों में कंगना का कोर्ट में आना जरूरी नहीं है। अब तक गवाहों के बयान को एग्जामिन नहीं किया गया है, पुलिस ने बयान नहीं दर्ज किया है। हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुला है, कंगना के खिलाफ सभी मामलों को क्लब कर किसी अन्य कोर्ट में भेजा जाए, हमें इस कोर्ट पर भरोसा नहीं है। वहाँ जावेद अख्तर के वकील ने कहा कि आप चाहें तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये जो कंप्लेंट है, ये एक डेफेमेशन का कंप्लेंट है। इसको लेजिस्लेचर ने जैसे बनाया है उसको बोलते हैं नॉन कॉग्निजेबल, मतलब छोटा मैटर, बेलेबल और कंपाउंडेबल एंड प्राइवेट कंप्लेंट। ये चार चीज़ होने के बावजूद मजिस्ट्रेट साहब घड़ी घड़ी दो दफ़ा उन्होंने धमकाया कि अरेस्ट वारंट इशू करेंगे, अरेस्ट वारंट इशू करेंगे, जबकि मेरा एप्लीकेशन है ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड जहाँ पे मैंने बोला हूँ कि आप आगे बढ़ सकते हैं केस में, आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है, प्ली रिकॉर्ड कर सकते हैं। फिर भी मजिस्ट्रेट साहब ने बगैर कोई ऑर्डर पास किए हुए कि कंगना की किस वजह से ज़रूरत है, क्यों कंगना को आना है, कोई स्पीकिंग ऑर्डर नहीं है। वहीं कंगना रनौत ने जावेद अख्तर के खिलाफ आरोप लगाते हुए एक्सटॉर्शन सहित अलग अलग धाराओं में शिकायत की है। इस मामले की सुनवाई 1 अक्टूबर को होनी है। वहीं कंगना ने ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन दायर किया है, इस पर सुनवाई 15 नवंबर को होगी। देखिए, जो हमारा कंप्लेंट है वो ऑन मेरिट्स है, क्योंकि कंगना और रंगोली को बुलाया गया था जावेद अख्तर साहब के घर पे, और जावेद अख्तर साहब का कोई लेना देना नहीं था उनके मैटर में, फिर भी उन्होंने बुलाया, घर में बुला के उनको धमकाया, ये कहना है कंगना का। और ये बात खाली कहना आज नहीं है, ये पिछले 3-4 साल से मीडिया में भी कंगना ने कई दफ़ा बोला है कि उनको धमकाया था,
और वो काफी घबरा गई थी और उनकी मोडेस्टी को भी एक हिसाब से आउटरीच किया गया था। वहीं कंगना के वकील रिजवान सिद्दीकी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कंगना की शिकायत काफी पुरानी है। कंगना और रंगोली को बिना वजह जावेद अख्तर के घर बुलाया गया, उन्हें धमकाया गया था, लेकिन कंगना ने कभी इसकी शिकायत दर्ज नहीं करवाई थी, जिसे आज हमने कोर्ट में दाखिल किया है। कोर्ट ने दो बार कंगना को धमकाया था कि उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया था। कोर्ट ने बिना वजह कंगना को अदालत में बुलाया जबकि उसकी कोई वजह नहीं थी, ये जानते हुए भी कि कोर्ट में मीडिया मौजूद है, उनकी इमेज खराब हो सकती है, हम इस जज के सामने हाजिर नहीं होना चाहते हैं। दूसरे मामले जो इसी कोर्ट में चल रहे थे उन पर जज इतने एग्रेसिव नहीं थे जितना कंगना के मामले में थे। ऐसा लग रहा है कि जज अपना मन बनाकर बैठे हैं। मुंबई से दीपक दुबे की रिपोर्ट। तो हेलो नमस्ते अस्नार में सस्यकाल गेम शो। बिग बॉस 15 के फैंस का इंतजार जल्द ही खत्म होने जा रहा है। 2 अक्टूबर से बिग बॉस के 15वें सीजन का आगाज हो रहा है। बॉलीवुड के सुल्तान सलमान खान का रिश्ता टेलीविजन के सबसे कंट्रोवर्शियल बिग बॉस से कुछ यूं जुड़ा है कि अब इस शो को सलमान खान के बिना इमेजिन करना भी नामुमकिन सा लगता है। इस फैक्ट को सलमान खान भी बखूबी जानते हैं, तभी तो हर साल वो शो का होस्ट बने रहने के लिए मुंह मांगी फीस वसूलते हैं। बिग बॉस OTT के ग्रैंड फिनाले के बाद बिग बॉस 15 के लिए फैंस का इंतजार शुरू हो गया है। कलर्स ने बिग बॉस 15 की प्रीमियर डेट का ऐलान कर दिया है। 2 अक्टूबर को शो का धमाकेदार प्रीमियर होने वाला है। इसी बीच बिग बॉस के होस्ट सलमान खान अपनी फीस को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। खबरें हैं कि बिग बॉस 15 के लिए सलमान ने एक बार फिर रिकॉर्ड तोड़ फीस मांगी है। बिग बॉस के 15वें सीजन के लिए सलमान खान को 350 करोड़ रुपए की फीस मिलने वाली है। बिग बॉस का 15वां सीजन 14 हफ्तों तक चलेगा, जिसके लिए सलमान को ये तगड़ी फीस दी जाएगी। इस खबर के लीक होने के बाद से ही सलमान खान और बिग बॉस 15 सोशल मीडिया पर जबरदस्त ट्रेंड कर रहे हैं। हर जगह सिर्फ सलमान खान की भारी भरकम फीस की ही चर्चा है। हालांकि सलमान को बिग बॉस 15 होस्ट करने के लिए 350 करोड़ रुपए फीस दिए जाने पर ना तो शो के मेकर्स ने कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन दिया है, ना ही सलमान ने अपनी चुप्पी तोड़ी। वैसे अगर सलमान को बिग बॉस 15 के लिए मिल रही फीस के इन आंकड़ों में जरा भी सच्चाई है तो आपको बता दें कि इस बार सलमान का सौदा घाटे में हो रहा है। जी हां, भले ही सलमान खान बिग बॉस 15 के लिए 350 करोड़ रुपए की छप्पड़ फाड़ फीस घर ले जाएं, लेकिन उनकी ये कमाई पिछले 2 सीजन बिग बॉस 13 और बिग बॉस 14 से कम ही रहेगी। जैसे कि रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि 14 हफ्तों 15वें सीजन के लिए सलमान को 350 करोड़ रुपए की फीस मिलेगी। इस हिसाब से 14 हफ्तों के लिए 28 वीकेंड का वार एपिसोड शूट करने के लिए सलमान खान 12.5 करोड़ रुपीस प्रति एपिसोड चार्ज करेंगे। वहीं सलमान की फीस सीजन 13 और सीजन 14 में इस आंकड़े से काफी ज्यादा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान खान ने बिग बॉस 14 के लिए 20 करोड़ रुपए फीस प्रति एपिसोड की डिमांड करते हुए 480 करोड़ रुपए चार्ज किए। हालांकि इस फीस पर उन्होंने शो के मेकर्स को थोड़ा सा डिस्काउंट भी दिया था और 450 करोड़ रुपए फीस पर डील फाइनल हुई थी। तब भी सलमान को 18.5 करोड़ बतौर फीस प्रति एपिसोड मिल रहे थे। अब 14वां सीजन 5 हफ्तों के लिए बढ़ाया गया था, जिसके बाद सलमान को 240 करोड़ रुपए की फीस अलग से मिली थी। हिसाब साफ है, बिग बॉस 14 के लिए सलमान ने 450 करोड़ और 240 करोड़ रुपए मिलाकर कुल 690 करोड़ रुपए वसूले थे। वहीं बिग बॉस के 13 के लिए भी सलमान ने 15.5 करोड़ रुपए प्रति एपिसोड फीस चार्ज की थी। इस लिहाज से देखा जाए तो साफ तौर पर कोरोना काल में आई मंदी का असर सलमान की कमाई पर भी पड़ा है। सोनू सूद ने टैक्स चोरी के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी। सोनू बोले, सख्त राहों में भी आसान सफर लगता है, हर हिंदुस्तानी की दुआओं का असर लगता है। एक्टर सोनू सूद बीते 1.5 साल से मुश्किल में फंसे लोगों की दिन रात मदद करने में जुटे हैं। सोनू सूद को उनके फैंस मसीहा और असल जिंदगी का सुपर हीरो जैसे खिताब दे चुके हैं। गरीबों का ये मसीहा फिलहाल टैक्स चोरी, बोगस लोन और बोगस बिलिंग के जरिए अवैध कमाई के संगीन आरोपों से घिरा है। बीते हफ्ते लगातार 4 दिन तक आयकर विभाग के अफसरों ने सोनू सूद के घर समेत उनसे जुड़े 28 ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसके बाद शनिवार को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस छापेमारी से जुड़े कई चौंकाने वाले खुलासे किए थे। आयकर विभाग के मुताबिक सोनू सूद 20 करोड़ से अधिक के टैक्स चोरी में शामिल हैं।
वहीं इस पूरे मुद्दे पर सोनू सूद की खामोशी उनके समर्थकों को चुभ रही थी। ऐसे में अब सोनू सूद ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। सोनू सूद ने सोमवार सुबह सोशल मीडिया पर एक बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि लोगों की मदद करने का उनका सफर जारी है। अपने स्टेटमेंट को पोस्ट करते हुए सोनू ने लिखा है, सख्त राहों में भी आसान सफर लगता है, हर हिंदुस्तानी की दुआओं का असर लगता है। स्टेटमेंट की शुरुआत में सोनू लिखते हैं, आपको हमेशा अपने पक्ष की कहानी सुनाने की जरूरत नहीं होती, वक्त खुद ऐसा करता है। इसके साथ ही सोनू ने कहा, मैंने अपनी ताकत और दिल के साथ भारत के लोगों की सेवा के लिए खुद को प्रतिबद्ध किया है। मेरी फाउंडेशन का एक एक रुपया कीमती जान बचाने और जरूरतमंदों तक पहुंचने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। इसके साथ ही कई मौकों पर मैंने विज्ञापन देने वाले ब्रांड्स को मेरी फीस डोनेट करने को भी प्रोत्साहित किया है, ताकि कभी पैसे की कमी ना पड़े। बीते दिनों आयकर विभाग के सर्वे के बारे में सोनू ने कहा कि मैं कुछ मेहमानों की सेवा में व्यस्त था, इसलिए पिछले 4 दिनों से आपकी सेवाओं में उपस्थित नहीं हो पा रहा था। अब मैं फिर से पूरी विनम्रता के साथ आपकी विनम्र सेवा में वापस आ गया हूँ, जिंदगी भर के लिए। बता दें कि आयकर विभाग ने सोनू सूद पर 20 करोड़ रुपए से अधिक की टैक्स चोरी, 2.1 करोड़ रुपए का अवैध विदेशी चंदा, 65 करोड़ रुपए के फर्जी लेन देन, जयपुर स्थित एक इंफ्रा फर्म के साथ 175 करोड़ रुपए के सर्कुलर लेन देन के आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सोनू सूद पर FCRA यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के नियमों का उल्लंघन करने का भी आरोप लगाया है। हालांकि सोनू सूद को फैंस का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। सोनू के फैंस का कहना है कि सोनू सूद के खिलाफ की गई ये कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है। सोनू सूद के समर्थन में बीते दिनों कई फैंस ने ट्वीट कर इस IT रेड का विरोध कर रहे हैं। सोनू के कुछ समर्थकों का तो ये भी दावा है कि IT डिपार्टमेंट की ये छापेमारी सोनू को दिल्ली सरकार के देश के मेंटोर प्रोग्राम का ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने के बाद बदले की कार्रवाई के तौर पर की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट।